खटाखट वाले बयान पर राहुल के खिलाफ याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने खुद के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर से रिट दायर करें। राहुल गांधी के खिलाफ खटाखट वाले बयान को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर याचिका दायर की, क्या कहना चाहते हैं, ये इसमें साफ नहीं है। आप कौन है, अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया, ऐसे में याचिका खारिज की जा रही है। याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह और उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें एक मौका और दिया जाए, फिर वह डिटेल से याचिका दाखिल कर अपने बारे में बताएंगे। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें फिर से याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। हाई कोर्ट के जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस मनीष निगम की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। राहुल गांधी के खटाखट बयान को लेकर 8 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बयान पर आपत्ति जताई थी, मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों का अयोग्य घोषित किया जाए, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो और पार्टी का पंजीकरण रद्द किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने स्वादे से मतदाताओं को गुमराह किया, एक तरह से वोट के बदले पैसे देने का लालच दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर किए हुए इस वादे ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया था कि उन्हें वोट देने के बदले पैसे मिलेंगे। भारती सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रलोभनों पर 2 मई 2024 को एक एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में ये भी कहा गया है कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121 के भाग 1A का उल्लंघन किया है, ये भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। याची ने चुनाव आयोग को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखा, लेकिन जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दूसरे दिन 5 जून को मुस्लिम महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंच गई थी। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए रुपए की मांग की। कई महिलाओं ने पहले से मिले गारंटी कार्ड पर अपना नाम, पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी किया। वहीं बातचीत में कांग्रेस दफ्तर पहुंची जुबेदा ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के लिए बड़ी नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर पूजा की, अब तो सरकार बन जाएगी, लोगों ने बहुत नक्शेबाजी की है। लोकसभा चुनाव में INDIA ब्लॉक को 234 सीटें मिली, यूपी में इस गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं, इसमें सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं।